लीजिए यहाँ से शुरू होता है, बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है ये। सो गाइज गुड आफ्टरनून, इस वक्त पटाया में 1:20 हो गए हैं और आज है 21 नवंबर और आज मेरा पटाया में तीसरा दिन है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस होटल में मैं रुका हूं, होटल का नाम है सियाम डिज़ाइन, सियाम एट द डिज़ाइन, और 5-स्टार प्रॉपर्टी है और इसका स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है। आज मैं आपको स्विमिंग पूल दिखाता हूं, आपको पूरा ही रूम दिखाता हूं। इधर से ये पूरा पटाया सिटी है और इस वक्त ये नॉर्थ पटाया में है हमारा होटल, होटल सियाम एट द डिज़ाइन, और कुछ ऐसा दृश्य है, 5-स्टार प्रॉपर्टी है। और अब मैं आपको कमरे का टूर करवाता हूँ। ये कुछ ऐसा कमरा, ये हमारा थोड़ा हमारा सामान बिखरा पड़ा है। और जो हमें, और ये बाथरूम, बहुत ही अच्छा होटल है। सो एक बात और बताना भूल गया गाइस, मैंने जितने भी होटलों में चेक इन किया है हमारे को कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कॉफ़ी वाला पाउच ज़रूर दिए जाते हैं, जो सबको दिए जाते हैं, बट इस होटल में हमें डेली की डेली 3 या 4 बियर, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स वगैरह ऐसा इधर रख दिया जाता है। ये फ्रिज है, इसके अंदर इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे मिनरल वाटर, वाइन और कुछ जूस की बोतलें हैं। हम लोगों ने अभी 2-4 तो पी ली है और 4 बियर देते हैं ये डेली। उसके बाद यहाँ पर कुछ सामान है जैसे कि मैगी के पाउच वगैरह, ये मैगी हम लोगों ने कल बनाई थी। सो गाइस अब आपको मैं ले चलता हूँ ऊपर स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल बहुत ही ज़बरदस्त है, स्विमिंग पूल की वजह से मैं बार बार आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्विमिंग पूल की वजह से ही मैंने ये होटल बुक किया था। चलो स्विमिंग पूल का आपको टूर करवाता हूँ मैं। ये मैं अब हमारा कुछ ऐसा, ये होटल का 8th फ्लोर है, हमारा रूम नंबर है 817, बहुत ही शानदार होटल है ये। और चलो अब आपको मैं लेके चलता हूँ ऊपर। सो गाइस ये इस प्रकार से है कुछ पूरा का पूरा होटल, बहुत ही अच्छा। मैं आपको पूरा ही पूरा स्विमिंग पूल का टूर करवाता हूँ। ये इस पे लिखा हुआ है होटल कुछ ऐसा, और पहले मैं आपको इधर का दृश्य दिखा देता हूँ। ये होटल नॉर्थ पटाया में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर वाइन बियर वगैरह। तो यहाँ से गाइस पूरा पटाया सिटी दिखाई दे रहा है, ये देखिए गाइस, ये यहाँ पर पूरा ही पूरा पटाया दिखाई दे रहा है। और ये इधर है बीच गाइस, और ये है स्विमिंग पूल। अब मैं आपको स्विमिंग पूल के दर्शन करवाता हूँ, कितना अच्छा है दिखाता हूँ आपको। और यह है स्विमिंग पूल जिसमें आप आनंद लेंगे। चलिए स्विमिंग पूल के अंदर चलते हैं।
स्टैंडिंग खड़े भी नहीं हो सकते, इस पर आप बैठ भी नहीं सकते और इस पर आप सो भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लेट गए या यहाँ पर बैठ गए बाई चांस अगर आप स्लिप हो गए तो आप सीधा नीचे जाओगे। और ये इस वक्त हम हैं 28 फ्लोर पे और वो वाली वॉकिंग स्ट्रीट है गाइस, जो बीच के पास पास जो लाइन है उसको वॉकिंग स्ट्रीट बोलते हैं। और वो पटाया लिखा हुआ है सेंट्रल पटाया, इस वक्त हम नॉर्थ पटाया में, शायद वो सेंट्रल पटाया है। शाम को हम लोग मैं शाम को आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए वहाँ जाने वाला हूँ और मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसा दृश्य होता है। रात को ये सिटी गाइस पूरी की पूरी चमकती है दूधिया रोशनी में। सो गाइस अभी अभी हमने नहा लिया है, स्नान कर लिया है, मस्ती आई, बहुत मज़ा आया। और अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। आधा घंटा मस्ती की मैंने पानी में, बहुत ही अच्छा लगा। और पानी ठंडा था लेकिन टेम्परेचर भी काफ़ी है। और एक भाई रशिया के मिल गए हैं, रूसी भाई हैं, ये पीछे तेल मसल रहे हैं गोरे मस्ती करते हुए और गोरियां मस्ती करती हुई हमारे पीछे जाती हुई। तो गाइस ये यहाँ से शुरू होता है, बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है ये। और ये है पूरा स्विमिंग पूल जो कि कल मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ। आया ओए। सो गाइस स्विमिंग पूल काफ़ी बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ से पूरा नज़ारा पटाया का। ये छोटा स्विमिंग पूल है, शायद बच्चों के लिए होगा। और ये कुछ चेयर रखी हुई है यहाँ पर और ये यहाँ से पूरा पटाया बीच दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पर पैरा सेलिंग हो रही है। इस बीच की वजह से ही गाइज मैंने ये होटल बुक किया था, बहुत ही शानदार होटल है ये। और कुछ फॉरेनर भी हैं यहाँ पर जो कि मज़े कर रहे हैं। चलो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। स्विमिंग पूल तो वाकई बहुत अच्छा है और ये यहाँ पर पूरा ही पूरा पटाया दिखाई दे रहा है। और ये इधर है बीच गाइस, और ये है स्विमिंग पूल। वाओ। हम बियर का वेट कर रहे हैं, देखते हैं फ्रिज में क्या है पीने लायक, निकालते हैं। पेप्सी हो गई, ये हमने कल से चेक नहीं किया, पता नहीं क्या है। सो आज मैं इसको अभी चेक करके देखता हूँ, आई डोंट नो। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ओरिजिनल। और ये कुछ इस पे लिखा हुआ है माल्ट, प्योर माल्ट। तो ये भी बियर है गाइस, अब देखते हैं। टेस्ट तो बियर जैसा है, बाकी देखते हैं असर कैसा है। सो चलो ठीक है यार, एक घंटा रेस्ट करेंगे उसके बाद तैयार होके बाहर जाएंगे। और ये आ चुके हैं फाइनली हम एक और बीच पे, समाना बीच है इसका नाम, आई डोंट नो समाना बीच है या सेम बीच है। यहाँ पर हम अपनी बाइक साइड पे लगाएंगे। एक अलग प्रकार का बीच ये वाला बीच है गाइस, ये आप देख लो, उस बीच से बिल्कुल ही अलग है।